मानो और भोली मानो के अंदर एक सीन था कि मुझे जिपरान भाई पकड़ के ले के जाते हैं mm. और वो बंद कर देते हैं तो मैं कहती हूँ मैं खाना भी नहीं खाऊंगी मैं यूँ भी नहीं करूँगी मैं वो भी नहीं करूँगी तो हम लोग काफ़ी लेट तक शूट कर रहे थे अच्छा मेरे घर में ऑब्वियसली हम लेट तक नहीं शूट कर रहे होते लेकिन फिर भी ये था कि लेट शूट कर रहे हैं क्योंकि हमने एक जगह पर स्पेसिफिक जगह पर शूट करना था तो आई गेस इलेवन एज कुछ इस तरीके का टाइम था और आई गॉट बैक होम वैसे मैं वापस आई हूँ तो मेरी आंखें लाल बिकॉज़ वो धुएं की वजह से बाल ऐसे बिखरे हुए थे ठीक है क्योंकि वो अगेन धुआं मिट्टी और मेरे पैर कीचड़ कीचड़ हो रहे थे आई एम माय अम्मा और कपड़े कीचड़ और सब कुछ ऐसा और आई वाज अम्मा एंड शी सेड कि क्या हाल है बेटा तुम ठीक हो डर गई ठीक वो बहुत डर गई तो मैंने उनको आगे से बोला मैंने कहा पता है मैंने आज क्या किया आज ये हुआ ये हुआ ये हुआ या उसने यूं करके मुझे खाना दिया तो मैंने यूं करके फेंक दिया उसने यूं किया तो मैंने यूं कर दिया वहां से भागती हुई आई थी यूं हुआ था और पता है कीचड़ ऐसे लगा तो पता है मैंने ऐसे किया था पता यूं hmm. किया था एं लोटा उसके बेटा सो जाओ ये ध्यान भी <वही> छोड़ के बट आई केवड इट आई लव परफॉर्मिंग इट आई लव माई कैरेक्टर्स आई लव डूइंग द जॉब यू नो आई लव बींग इन द कैरेक्टर मतलब मुझे लगता है कि एक तरीके से मुझे अच्छा लगता है कि मैं

नो आई आई वॉज लाइक अच्छा सी एल एस ए सी क्या होगा आई एम मोर क्यूरियस ओके आई एम वेरी क्यूरियस टू फाइंड थिंग्स आउट और घर में अब सबसे ज़्यादा कौन आपका फ़ैन है और कौन आपके ड्रामे इंजॉय करता है सबसे ज़्यादा फैन आई थिंक मेरे भाई का छोटा वाला बेटा लेकिन ah. हाँ वो ऐसे उसको बोलो मेरे पास आओ ही डजन कम टू यू अच्छा नहीं पोपो का जादू नहीं है बहुत जादू है लेकिन ah. सब कुछ है लेकिन okay. फिर भी वो कहता है कि नहीं ठीक है अच्छा एंड थोड़ी देर के बाद ये नगीन है ना एंड ही करके और एंड इवन oh so आके दीवान की गा रहा है या wow. अभी वो और वो बाकी सब देखते हैं बाकी सब साइलेंट hmm. ऑब्जर्वर्स है ना हाँ यूँ देख लिया थोड़ा सा काफी टाइम तक तो भाई कभी होता था प्लेस नहीं भी देख रहे होते थे बट ना इवन ही वॉचेज अच्छा सही है ठीक है मैं देख रहा हूँ वहाँ से अच्छा फिर क्या होगा फिर आगे माई अम्मा मेरी नानी माई नानी इज अज फैन शीज एक बहुत बड़ी ऑडियंस जो थी वो सुल्तान की साइड पर थी एंड आई डों ने मैंने तो पोज भी निकाली मैंने कहा क्यों हाउ कैन यू आइडियोलाइज हम यू नो अच्छा आई टेल यू सम मैं जिस वक्त इवन बोली बालों में ऐसा एक कुछ था कि जिस वक्त मैं स्क्रिप्ट पढ़ी थी ना तो मैंने कहा ये क्यों नहीं जा रही ताजदार के पास ठीक yeah. है बिकॉज स्क्रिप्ट पढ़ते हुए मुझे ये फील आई थी मैंने कहा इसको जाना चाहिए ताजदार के पास अभी फौरन चली जाए तो mm. अच्छा अब जिस मैंने कहा कि अच्छा ताजदार के पास क्यों नहीं जा रही है mm. लेकिन फिर जब मैंने देखा कि जब मैं उस कैरेक्टर में थी तो मैंने कहा नहीं ये नहीं जाएगी ओके okay. ये अपने हस्बैंड के पास रहेगी सो आई रिमेम्बर कि हम uh, मैं मॉल के बाहर वेट करी थी वैले की गाड़ी आएगी और मैं गाड़ी लेकर जाऊँगी आपने अच्छा नहीं किया ताजदार के साथ और मैंने कहा जी आपने अच्छा नहीं किया मैंने कहा देखिए वो कैरेक्टर होता है डायरेक्टर बनाता है राइटर लिखता है हम सिर्फ प्ले करते हैं ठीक है अच्छा नहीं किया आई स्वेर उसका दिल चाह रहा था कि वो मुझे मार मार ठीक <laughs> है तो अब उसने एक बार बोला दो बार बोला तीन बार बोला मुझे गुस्सा आ गया मैं थोड़ी सी हो जाता है कभी कभी ठीक अच्छा। है अच्छा तो मुझे थोड़ा सा मैंने आई आई हर लाइक लाइक दिस यूर प्रेगनेंट यस मैंने कहा वो आपके हस्बैंड हैं तो कहती है

चार्मिंग लग रहे हैं वो कर रहे हैं यू नो वो चार्म कर रहे हैं वो ऐसे लग रहा है कि अच्छा हाँ हो गई है, हाँ। लेकिन वो अभी भी वही है शादी कर ली हाँ। बच्चा तो भी हो गया शो भी 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 को भी मार सब कर लेकिन ऑडियंस ये है खुवान खासतौर पर कि नहीं यार कितना प्यारा लड़का है जाओ इसके साथ चली जाओ नहीं जा रही तू अब तो ये चेंज हो जाएगा उसको अच्छा हमारे यहाँ ये आज लाइफ में भी कॉन्सेप्ट है ना कि लड़का बिगड़ा हुआ है तो शादी कर तो सही हो जाए चेंज हो जाएगा भाई क्या कैसे होगा Okay. अपनी भी जिंदगी खराब करेगा लड़की की भी खराब करेगा उसके बाद okay. तो हमारी hmm. कुछ चीज़ें हैं जो कल्चर में आती कल्चर में आती hmm. है पढ़ी थी इंटरव्यू तो आपने कहा कि किसी ने आपसे पूछा था कि इंडस्ट्री को किस चीज़ की जरूरत है hmm. तो आपने कहा आर्टिस्ट्री एंड ऑफ इट सो मुझे मैं समझना चाह रही थी कि आपका क्या मतलब था आर्टिस्ट्री से और इस स्टेटमेंट से क्या मतलब था आपका आई टेल यू हम लोग मुझे लगता है कि बहुत प्रोफेशनल हो गए ओके ठीक है प्रोफेशनल इज गुड एक होता है एक गुड सेंस में एक होता है बैड सेंस में ओके दिस इंटरेस्टिंग मैं बड़ी आई वांट टू हियर सो यू नो आप जैसे ड्रामा कर रहे हैं आप जैसे hmm. कोई भी आर्ट फॉर्म कर रहे हैं कोई भी आर्ट फॉर्म वो स्पेसिफिकली वो आर्ट के लिए होती है हाँ है. हम उसको कमर्शलाइज करते हैं बिल्कुल करते हैं क्यों mm -hmm. नहीं करते mm -hmm. लेकिन वो स्पेसिफिकली कमर्शली नहीं होना चाहिए ओके okay. आई थिंक मुझे ऐसा लगता okay. है माई so ओपिनियन okay. कि वो कम्प्लीटली कमर्शियल नहीं होना चाहिए वो ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा क्योंकि इस चीज़ की रेटिंग आती है तो मैं यही करता रहूँ ठीक hmm. है आप अगर जैसे मैं आपको पहले बात करी थी कि मैंने कहा नहीं मैं नहीं रूँगी या मैं ये नहीं करूँगी मैं नहीं कर सकती तो आई हर दिस कि नहीं बेटा इसकी रेटिंग आती है yeah. कि एक लड़की है जो कि प्यारी सी है जिसकी आंखें बड़ी हैं वो रोती है तो आती है ठीक है तो अभी से नहीं आएगी बट आई सो कि ऐसा है Yeah। आप मुझे बोल दें आप मुझे बहुत बार बोलें कि नहीं ऐसा नहीं होता लेकिन एट दी एंड ऑफ द डे ऐसा ही है बहुत सारे ऐसे प्लेस हैं जो शायद हम लोग कहें कि क्या है क्यों है कह रहे हैं हम लोग <laughs> मुझे समझ आ रही है मैं I'm just not people. Huh. So, hmm. Hmm. लेकिन पीपल आर वॉचिंग इट ठीक so है, mm. है लेकिन लोग नहीं देखते वो अप्रिसन नहीं मिलती उनको रिक्गनाइजेशन नहीं मिलती yeah. तो आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट होना चाहिए आर्टिस्ट के लिए जरूरी है कि वो अपने आप को भी एक्सप्लोर करे True. True. मतलब mm. अगर मुझे एक डायरेक्टर मुझे हाँ आप अच्छा करें जो भी करिए तो मैं वो करती रहूंगी mm. जब तक आई विल लाइक टू कोट मिस्टर मख्तर साहब यहाँ पे वो कहते थे कि जिस वक्त मैं कभी भी कोई काम करता हूँ और मुझे आजकल के अगर डायरेक्टर आके कहते हैं सर कर दें तो मैं मोइी अख्तर ही करूँगा आई विल नॉट डू एनी थिंग एल्स तो वेरी इंपॉर्टेंट कि डायरेक्टर जो है वो डायरेक्ट करे आपको कि ये करना है ओके एंड आफ्टर दैट यू नो मैंने ये वाली चीज़ के बाद मैंने एक्चुअली ये चीज़ पे क्योंकि मैं पहले बहुत होता था कि ये नहीं कर रही ये नहीं कर रही कंफर्ट जोन के अंदर ये नहीं hmm. कर रही बट नाउ आई एम पैर वर्किंग विद सिराज भाई अभी रिसेंटली दिस इज़ माई सेकेंड प्ले रमजेश के बाद तो मुझे शुरू में प्रॉब्लम्स थी बिकॉज यू नो उनका एक थोड़ा ड्र, ड्रामेटाइज फॉर्म है सिराज भाई का तो कुछ होता था तो शुरू में मैं बिल्कुल मैं आई विज तक मैं नहीं कर सकती है अच्छा आप कह देती थी, थी वो क्या कहती मैं कर से? दे मैं कहती थी मैं नहीं कर सकती नहीं। है और फिर ये होता था कि नहीं बिकॉज यू नो फिर आप म्यूचुअली कहीं पर कहते हैं अच्छा से ये करना है मेरे लिए कहीं ना कहीं वो इनिशियली प्रॉब्लम थी ओके बट देन लेटर ऑन आई रियलाइज आई विज एक ओके ईजी सही है थोड़ा सा ईजी हो जाओ लेस इज नॉट बी सो हार्श ऑन यर सेल्फ ऑडियंस जो बात करिए वो एक अलग बात है लेकिन जिस वक्त मुझे डायरेक्टर बोल रहा है कुछ करने के लिए कर लो hmm. अगर ऑडियंस क्रिटिसाइज करेगी कोई बात नहीं yeah.

Okay. नहीं आई डोंट प्रेफर चेंजिंग इट बट आई थिंक कि वो बहुत जरूरी है कि आप जो है डिस्कस करें चाहे वो राइटर हो चाहे वो डायरेक्टर हो उसकी वजह ये है कि यू you नो know, आपको सब आर्टिस्ट हैं सबका अपने अपने माइंड में एक अलग अलग चीज़ है ठीक कि है हर किसी ने अपना कैरेक्टर बनाया हुआ है मैंने जैसे पढ़ा मैंने अपना एक कैरेक्टर बना लिया डायरेक्टर ने अपना कैरेक्टर बना लिया राइटर ने अपना कैरेक्टर बना लिया तो वो कहीं ना कहीं जगह जब जाके सब एक साथ मिलेंगे तभी जाके वो कुछ ऐसा बनेगा कि हाँ वो स्पार्क लेकर आएगा स्क्रीन पे कि हाँ अब ये अच्छा लग रहा है बिल्कुल सही बात है तो आई थिंक कि इस वजह से मुझे लगा कि मैंने फिर मैं उसको कहीं कहीं पे हल्का सा अगर मुझे लगता है कि नहीं ये ये बिल्कुल नहीं हो सकता तो मैं उसको कोशिश करती हूँ कि सर थोड़ा सा अगर सिराज भाई इसको ये देख लें ये यूँ हो जाएगा तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं सो आई डिड इट मैं ये भी पढ़ रही थी कहीं आपने कहा कि मैं जब कोई स्क्रिप्ट आता है तो मैं कैरेक्टर को देखती हूँ और मैं देखती हूँ अगर वो कैरेक्टर मुझसे कनेक्ट कर रहा है तो So how the character connect with you? आप अभी कह रही थी कि majority वो तो characters जो होते हैं वही रोती See, रो है, और नहीं नहीं push. अच्छा मैं आपको मैं है, है, उस अच्छा, except... सवाल का दूसरा पार्ट मेरा ये था जी जी कि अपने तीन कैरेक्टर्स मुझे बताएं उनसे आपने कैसे कनेक्ट किया अब आप मुझे जवाब ओके इनिशियली मैंने किया था भोली बानो ठीक है मैंने उससे कनेक्ट uh, किया था इसलिए कनेक्ट किया था बिकॉज वो एक एक वो नेव सी लड़की थी के जो मतलब यू नो आई आई कुड सी इट आई कुड सी हर मैं उसको देख सकती थी मैं उसको देख सकती थी मैं उसको सामने मैं पढ़ रही थी खो जाता है खाका बनता है एक राइटर की भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो समरा बुखारी ने लिखा था बहुत अच्छा लिखा था तो ये राइटर की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो किस तरीके से लिखता है लग रही है ठीक है कि वो बिल्कुल आपके सामने पूरी पिक्चर बन के खड़ी हो जाती है कि अच्छा ये इस तरीके से चलेगा इस तरीके से करेगा ये बात करेगा तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा था मुझे लगा था हाँ ये मैं करना चाहती हूँ ओके okay. ठीक है yeah. मुझे लगा था कि हाँ मैं बानू हूँ ओके okay. ठीक है ठीक है वन आई डिड सिलसिले सिलसिले वजहत हुसैन भाई ने डायरेक्ट किया था और अगेन uh, हमरा बुखारी का स्क्रिप्ट था तो मुझे उसके अंदर भी बहुत मेरे पास इतनी लिबर्टी थी कि अच्छा मैं ईजीली कर लेती थी आई रिमेंबर दे वॉज अ सीन कि उसमें मैं ईशा देख लाइन थी और मैं बैठ के मतलब वो एक आंटी होती मैं उनको बोले चली जाती हूँ बोले चली जाती हूँ एटलीस्ट फॉर टेन मिनट्स मैंने कंटिन्यूसली बोला है अच्छा दो लाइन पहले मतलब वो दो लाइन थी और, और इम्प्रोवाइज करती जा रही थी ओके okay. ठीक wow. है और मुझे कट की आवाज नहीं आई एंड फाइनली आई लुट इन द दैमरा कट सही है और <laughs> वो सीन एग्जैक्टली एडिट होके लगा है मेरा इम्प्रोवाइजेशन भी लगा है आई थिंक ऑन स्क्रीन नहीं होता ये थिएटर पे होता है बट मुझे वो लिबर्टी मेरे पास थी मेरे डायरेक्टर ने मुझे दी थी एंड आई थिंक वो स्क्रीन पे अच्छा लगा था दैट वज द रीजन ही अलाउड मी टू डू इट